आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बी एच यू इन्फोपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बी एच यू में यूजी का काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। इसके अलावा बी एच यू में आपको कुछ बीवॉक कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्सेज, जो आपके आर जी एस सी में और मेन कैंपस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दोनों में प्रोवाइड किए जाते हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, होटल मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस में, और इस तरह के सभी तमाम कोर्सेज आपको बीवॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है लेटेस्ट अपडेट यही है कि बी एच यू के बीवॉक कोर्सेज का कोई भी अभी सीट एलोकेशन का या काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है काफ़ी सारे कोर्सेज, जैसे बीवॉक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो इनका जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और कुछ दिन पहले बीवॉक कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक मेल आया था। मेल के अंदर उनको बताया गया था कि जैसे आपका पहले क्रिटेरिया था मेरिट लिस्ट बनाने का, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। पहले क्रिटेरिया ये था कि आपका लैंग्वेज का 50% लिया जाएगा स्कोर, और आपने जो डोमेन लिया उसका स्कोर, इन दोनों के स्कोर का कंबाइंड करके आपकी मेरिट निकाली जाएगी, इसके बेस पर आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अब जो बीवॉक कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं उनको थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल रहा है। चेंजिंग इसलिए क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे कि आप लैंग्वेज टेस्ट लेंगे, इसके अलावा या तो आप डोमेन के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस जो डोमेन था आपका वो लीजिए, या फिर आप जो है पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपका बीएससी मैथ मैथ ग्रुप में जाने के लिए आपको लेना होता है वो ले लीजिए। तो दोनों में से अगर आपने कोई भी एक लिया होगा, लैंग्वेज लिया होगा, तो आप वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो है एलिजिबल होंगे। इसमें चेंजिंग अब ये किया गया है कि ये ईमेल जो आया था इसमें बताया जा रहा है कि आपका लैंग्वेज स्कोर पहले 50% था, अब उसका भी 50%, यानी आपका जो टोटल लैंग्वेज का स्कोर आउट ऑफ 200 मिला है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है वो स्कोर, प्लस में आपका अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया था तो उसका 50% स्कोर कंसीडर होगा आपकी फाइनल मेरिट में। अगर आपने पीसीएम लिया था तो आपका जो है पीसीएम को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, और प्लस में लैंग्वेज का जो है 25%। तो ये जो दो तरह के स्कोर बनेंगे इसके बेसिस पर आपको जो है वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन में मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसके अलावा अगर आपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी लिया था और आपने पीसीएम भी लिया हुआ था, आपने लैंग्वेज भी लिया हुआ था, तब आपको क्या कंसीडर करेंगे, आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस या फिर टोटल ऑफ पीसीएम, इन दोनों में से जो भी बेटर होगा जिसमें हाई स्कोर होगा वो स्कोर प्लस लैंग्वेज का बटा 4 करके वो कंसीडर किया जाएगा। इस तरह से आपकी मेरिट तैयार होगी, ये इस ईमेल के थ्रू बताया गया था। तो ये थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से जो है दिखा देता हूं कि किस तरह से आपका स्कोर किया गया है। जैसे आप बीवॉक वाले ग्रुप में जाएंगे तो अभी कैंडिडेट्स ने भेजा था, जैसे ये देखिए इनका इंग्लिश में है 152 पॉइंट समथिंग स्कोर था, और कंप्यूटर साइंस इन्होंने जो है डोमेन लिया होता है इसके अंदर इनका 138 स्कोर था। तो अब जैसे कि उस मेल में बताया गया था आपका लैंग्वेज का बाई 4 हो जाएगा, और कंप्यूटर है तो आपका बाई 2 हो जाएगा, अगर पी सी एम है तो बाई 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका स्कोर आप देखोगे कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले का, अगर आप हाफ करोगे तो लगभग जो है आपका 20 और 50 70 स्कोर लगभग यहाँ से आ जाएगा, और लगभग 38 स्कोर जो है इंग्लिश का बाई 4 करोगे तब आ जाएगा। तो लगभग 107 से 108 का स्कोर जो है इनका बन रहा है। तो इस बेस पर अब आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इस ये जो आपका स्कोर आया है अब इसके बेसिस पर आपको जो है कोर्स अलॉट होगा। तो ये बच्चों ने जो है भेजा हुआ है ग्रुप में, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वेरिफिकेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाले का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया बच्चे का, लगभग सभी कोर्सेज में आपको अब जो है वेरिफिकेशन स्टार्ट होता दिख जाएगा। एग्री बिजनेस में हो चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप में हो चुका है, वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी हो चुका है। और इसके अलावा एक और मेजर चीज़ जो आपको बतानी है वो ये कि कुछ कैंडिडेट एक कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है वीवो के मैसेज किया था कि सर हमारा जो है रिजेक्ट भी हो चुका है। रिजेक्ट होने का कारण आपको पता होना चाहिए। रिजेक्ट होने के कारण पहला तो ये, अगर आपने डोमेन नहीं दिए हैं जो मांगे गए हैं उस कोर्स के एडमिशन के लिए तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं जो इस कोर्स के लिए मांगे गए हैं तब आपका रिजेक्ट हो सकता है। जैसे इस बच्चे ने मेरे ख्याल से वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है, इसमें हो सकता है कि जो है 12th के अंदर ये सब्जेक्ट ना पढ़े हों, लेकिन इसने बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला डोमेन और लैंग्वेज देकर जो है इसने अपीयर हुआ हो पेपर में, तो इस वजह से इसका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन ये सभी सब्जेक्ट जो है 12th में मांगे गए हैं, अगर आपने पढ़े हैं तभी आपका एडमिशन होगा। तो इस वजह से ये रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्शन के भी कारण रहते हैं, वो भी मैं आपको अभी बुलेटिन में दिखा देता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और बाकी वीवो कोर्सेज नेक्स्ट वीक तक आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा, आपके अलग अलग कोर्सेज में जो है कोर्स एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेरिट वाइज कट ऑफ जारी की जाएगी, उस कट ऑफ के बेसिस पर जो है एडमिशन होगा। और बाकी वीवो कोर्सेज का आपको पता है कि पर सेमेस्टर आपकी स्पेशल फीस लगती है क्योंकि ये स्पेशल कोर्स अंतर्गत आता है, तो काफ़ी सारी जो है आपको फीस का डिफरेंस देखने को मिलता है एक नॉर्मल कोर्स में और एक आपके इस प्रोफेशनल वीवो कोर्स में। ठीक है, आपको मैं बुलेटिन दिखाता हूँ, ये बुलेटिन है बीएचयू का। इसमें आप देखोगे जैसे ये सभी कोर्सेज है वीवो वाले जो अलग अलग
जगह पे अवेलेबल है। पहले तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है, इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्री बिजनेस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी कोर्स अवेलेबल है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि अभी मैंने बताया बच्चे का रिजेक्ट हुआ, तो उसका कारण यही होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10+2 आपने पास की नहीं होनी चाहिए, 50% एग्री का स्कोर होना चाहिए, फिजिक्स मैथ प्लस, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कंप्यूटर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका 12th में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे वीवो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए। और बाकी इनकी जो फीस है वो भी आपको एक बार पता होनी चाहिए। वीवो के जो कोर्सेज हैं इनमें लगभग किसी में 13,000 पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा फीस लगेगी आपकी, प्लस में रेगुलर फीस जो आपकी होती है 1900 रुपये, 2200 रुपये, 2400 रुपये, ठीक है। तो ये सभी फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। और ये जितने भी वीवो कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अवेलेबल हो, चाहे वो RGSE में, DDU कौशल के अंदर में अवेलेबल हो, उन सभी में 62 सीट्स रहती है ईच स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी का अथॉरिटी होती है यूनिवर्सिटी को, अगर किसी कोर्स के अंदर कैंडिडेट की संख्या कम है, एडमिशन लेने वालों की संख्या कम है जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं उससे, तो वो एडमिशन, वो जो कोर्स है स्पेसिफिक कोर्स जिसमें बच्चों की संख्या कम है, उस कोर्स को उस साल नहीं चलाया जाता है, ऐसा भी होता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो इस चीज़ का भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सभी बताया गया है आपका कोर्सेज के बारे में, क्या उसकी फीस स्ट्रक्चर है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं फैशन टेक्नोलॉजी वाला है, इसमें 26,000 पर सेमेस्टर आपकी स्पेशल कोर्स फीस लगेगी। अगर ऑफिस मैनेजमेंट है इसके आप 13,000 लगेगी। इसके अलावा अगर हम RGSE में बात करें तो RGSE में आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसमें भी आपकी 26,000 एक्स्ट्रा फीस। तो ये सभी जो है स्पेशल कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, और ये आपके आगे वोकेशनल ट्रेनिंग और आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो BHU में आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, सीट एलोकेशन से रिलेटेड, तो आप जो है हमें टेलीग्राम पर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार फीस स्ट्रक्चर फिर से देख लीजिए आप, ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है BVOC का। जैसे मान लीजिए अगर आपका RGSE में किसी कोर्स में होता है तो आपकी 1981 रेगुलर फीस प्लस 5,000 जो है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फीस लगती है। ये आपकी एक बार एक बार के लिए लगती है, वन टाइम फीस होती है। और इसके अलावा स्पेशल कोर्स की फीस सभी स्ट्रीम्स में अलग अलग है, किसी में 26,000 है, किसी में 13,000 है, और किसी में इवन 50,000 भी आपको फीस देखने को मिल सकती है। वो है BVOC इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट, इसमें आपकी 50,000 पर सेमेस्टर फीस स्पेशल कोर्स की लगेगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। BVOC कोर्सेज में प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है, आपको इंटर्नशिप देखने को मिल जाती है, और आपके कैरियर के लिए तो वो है ही है, ठीक है। अगर आपका BVOC में कोर्स होता है, आप उसके लिए लेना चाहते हैं, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, और बाकी आपका नेक्स्ट वीक में जो है सीट एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा।